अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बीएससीएस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 301 के ग्रैंड क्विज, यानी कि आपके एमसीक्यूज। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग के जो है पार्क स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हो जाए और आपको कुछ एमसीक्यूज़ का आइडिया हो जाए और आपके लिए ग्रैंड क्विज में आसानी हो। तो ये 30 एमसीक्यूज़ होंगे जो मैंने जो है कुछ पास पेपर से लिए हैं और मेजोरिटी आपके हैंड आउट से लिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके आगे उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है, यानी कि जो आंसर गलत होंगे तो आप वो सही कर दीजिएगा, लेकिन उसमें से कोई भी एक भी गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने सारे हैंड आउट से चेक किए बकायदा उसके आगे उसका पेज नंबर भी लिखा है। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और आपको जो जैसे कि ग्रैंड क्विज़ है तो उसके मंथ लेकर 15 तक के आपके लेक्चर है, तो मैंने कोशिश ये की है के 15 आपके लेक्चर है तो 15 अच्छे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं, 30 एमसीक्यूज़, ना ज़्यादा लिए हैं ना कम लिए हैं, ताकि आप लोगों को उसका आइडिया हो जाए। वैसे अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करें तो पार्क 301 के मिड टर्म के बहुत से आपको एमसीक्यूज़ फाइल मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने 30 एमसीक्यूज़ पास पेपर से और मेजोरिटी नोट से हैंड आउट से देख के बनाए, ताकि उससे आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप ढेर सारे बुक में हाईलाइट करके आंसर को देखें तो जब पेपर बस आपके सामने आता है तो आपको याद नहीं आता, लेकिन अगर आप एक वीडियो में या कोई आंसर आपका असाइनमेंट में है उसको आप देखते हैं तो फिर वो आपको एंड तक के याद रहती है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर इसमें 30 एमसीक्यूज़ जो हैं, अगर आप जो मैंने दिए हैं अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको जब भी कोई ये 30 एमसीक्यूज़ आ जाएँ तो आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है। तो 30 एमसीक्यूज़ आपके जो हैं वो आते हैं मिड टर्म में, और यानी कि आप ग्रैंड क्विज़ हो रहे हैं तो उसमें आपके 30 एमसीक्यूज़ ही आते हैं ग्रैंड क्विज़ में, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स 101 है उसमें 25 आते हैं, तो डिपेंड करते हैं, मेजोरिटी 30 ही आते हैं। आप खैर देख पाते हैं स्टडीज़ में कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड क्विज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये मैंने ग्रैंड क्विज़ लिया, इसमें से ग्रैंड क्विज़ के एमसीक्यूज़ जो हैं सारे वो हैं जो मेजोरिटी इंपॉर्टेंट भी हैं और जो आपके आपको मालूम होने चाहिए, कई बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, यानी कि ये एमसीक्यूज़ आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग और उसमें से कुछ आते भी हैं और आएंगे भी, कल तो आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं भी आए तो वीओ में मसला ये है कि सबके पेपर होते हैं अलग, ठीक है। आप किसी को हम ये नहीं कह सकते कि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब कुछ है, लेकिन वीओ में मसला है किसी का पूरा पेपर आ सकता है या किसी का नहीं आ सकता। तो बेशक आप लोगों की प्रिपरेशन है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 30 एमसीक्यूज़ बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ एक अच्छा आइडिया हो जाए, ठीक है। और वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का एमसीक्यूज़ है सर सैयद अहमद खान डाइड, ठीक है। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सर सैयद अहमद खान का इंतकाल जो है मार्च 27, 1898 में हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग सन भी याद होना चाहिए और आप लोग को महीना भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख ले 1898 में मार्च 27 को, ठीक है, सैयद अहमद खान का इंतकाल हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं आगे में, अब वो इसी का भी पार्ट समझ लें हम उसको। सर सैयद का अगर इंतकाल हुआ है तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी जब वो पैदा हुए थे। तो सर सैयद अहमद खान बॉर्न इन दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, ठीक है। तो 1817 में वो पैदा हुए कहाँ पे, दिल्ली में, और 1898 में उनका इंतकाल हुआ, ठीक है। शुरू के स्टार्टिंग में दोनों 1818 है या 17 है या 98 है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो कब फाउंडेड होती, वो होती दिसंबर 28, 1885 में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, व्हेन डिड हिंदी उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्टेड, जब हिंदी उर्दू की कॉन्ट्रोवर्सी कब स्टार्टेड हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 1867 में, ठीक है। तो ये आप नोट्स में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पेज नंबर नहीं लिखा, मैं शायद लिखना भूल गया, गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मसला ये होगा कुछ के आंसर अगर आप गूगल पे आकर सर्च करेंगे ना तो वो चेंज होंगे आपके हैंड आउट से, तो कोशिश यही कीजिए जो आपके हैंड आउट में आप उसको फॉलो करें। तो मेरी कोशिश यही थी कि जितनी भी एमसीक्यूज़ है उसके मैं हैंड आउट से फॉलो करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ मैंने नंबरिंग में थोड़ी आज मिस्टेक कर दिया, 3 के बाद 4, 4, 5 है, ठीक है। तो एक एमसीक्यू एक्स्ट्रा हो गया। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी आपका पूरी थी वो थी 1867 में, ठीक है। अब चलते हैं चौथे के बी पार्ट में, तो व्हेन डिड लखनऊ पैट साइन, लखनऊ पैट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं। लखनऊ पैट जो है आप कब साइन होती, तो 1960 में आपकी साइन होती है। आपको फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है मैंने दिसंबर में 1960, मेजर चीज़ आपकी यही है। और पेज नंबर मैं रेफरेंस दिया है 34 में, अगर आप यहाँ पे आएँ मैं आपको पेज नंबर 34 पे ले जाऊँ तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ पैट 1916 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1960 में आपको लखनऊ पैट हुई थी साइन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पाँचवें पॉइंट मेरा कह रहे हैं जिन्ना डिक्लेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये पेपर में आती हैं, ये मस्ट आते हैं, ये हर किसी के एमसीक्यूज में तो आ जाते हैं, मैं भी आया था। जिन्होंने यानी कहा जाता है हमने अपना 14 पॉइंट कब दिए थे, 1929 में दिया था। रेफरेंस देख लेते हैं पेज नंबर 7 में, ताकि आप लोगों भी कोई मिस गाइडनेस ना हो। 7 उसने बहुत शो कर दिया, इससे बात ऊपर ही अच्छा ले जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग 14 पॉइंट 1929, ठीक है, 1929 में जाना है जब हमने अपने
इंपॉर्टेंट पॉइंट पेश किए थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जिना यूज़ द टर्म नेशन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया इन जिना साहब ने मुसलमानों के लिए नेशन का वर्ड कब यूज़ किया था? फर्स्ट टाइम यूज़ किया था कब? फरवरी 1935 में। ठीक है, फरवरी 1935 में जिना साहब ने फर्स्ट टाइम नेशन का वर्ड यूज़ किया था। तो आप ये देख सकते हैं, जिना यूज़ द टर्म नेशन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया इन फेब 1935। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, रेफरेंस देने में। तो हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट, नंबर 7 पे आपका हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की है? सबको मालूम है, सर सैयद अहमद खान ने। समटाइम बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें याद नहीं होता, तो हम लोग को रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 8 पे, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौसी भी आ सकती है। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी आपकी? तो 1857 की होती है। तो इसका रेफरेंस देख लेते हैं पेज नंबर 11 पे, देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान एंड हिज कंट्रीब्यूशन। तो अभी पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 पे वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। तो आप इस पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, आपके पास वीडियो में ये पूरा पैराग्राफ आ रहा होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, इसमें किसकी बात हो रही है। अब चलते हैं आगे, इंग्लिश डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर हुई थी? तो 1835 में जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी। तो पेज नंबर 9 पर हम जाके चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर जो है वो सही है गलत। तो देखिए, इंग्लिश एज द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835। ठीक है, तो बीच बीच में से एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो हम लोग के जहन में नहीं रहते, हमारे आँखों से ये गुजर जाते हैं। तो एमसीक्यूज का फ़ायदा ये होता है कि एक वीडियो बना के आप देख लेना। ठीक है, तो क्या 1835 में, ठीक है, इंग्लिश डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज। चलते नंबर 10 में, अस्पा पे बगावत है हिंद रोड पर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सवाल घुमा के भी आ सकता है, जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने जो कॉन्ट्रोवर्सी की थी उसके बाद वो कौन सी किताब की थी, तो उसका ऑप्शन आ सकता है अस्पा पे बगावत है हिंद। ठीक है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए ये सर सैयद अहमद खान की किताब है, ठीक है, जो कि उन्होंने 1858 में लिखी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बड़ी फेमस किताब है सर सैयद अहमद खान की, ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और इसका रेफरेंस भी मैंने आप लोगों को दे दिया है पेज नंबर 10 पे, अब देख लें, उन्होंने लिखी अस्पा पे बगावत है हिंद। तो कोशिश कर रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ भी आप पढ़ लीजिए एक मरतबा। ठीक है, ये बहुत ही फेमस किताब है इनकी, ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब चलते हैं नंबर 9 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? ठीक है, वो 1905 में हुआ था। रेफरेंस देख लेते हैं पेज नंबर 13 पे, तो 13 पे अच्छा ये देख लें, इसमें काफ़ी अच्छी व्यूज आपके बन सकते हैं, आप लोगों को सारा मालूम होना चाहिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। सिमिलर कैपिट्यूशन कब हुई? 1906 में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग कब हुई? 1906 में। चेंज इन द गोल्स ऑफ द मुस्लिम कब हुआ? 1913 में। लखनऊ पैक्ट कब हुई? 1916 में। ठीक है, तो एमसीक्यूस में ऊपर आ गया, तो ये इसमें से एक ना एक तो आता ही है पेपर में। ठीक है, तो आपको लोग ये आसानी हो जाएगी, आपको सामने आ गए। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905। अगर उसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 12 में, डोमिनेशन ऑफ द मॉस इन कामानपुर। कामानपुर में मॉस की कौन सी डोमिनेशन हुई थी, कौन सी संधि हुई थी? तो पेज नंबर 13 में हम देख लेते हैं, 1913 में हुई थी। अब चलते हैं आगे, द मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस कब हुई थी? द मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939। ठीक है, द मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939। ठीक है, तो मुस्लिम लीग एक्टिविज्म, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इसके क्या इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो मुस्लिम ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939। ठीक है, ये हो गया। अब चलते नंबर 14 पे कह रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इलाहाबाद पाल स्टे इन यूरोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, मेरे पेपर में आया था, याद मुझे अच्छे से याद आ चुका है ये। तो हाउ मेनी ईयर्स इलाहाबाद पाल स्टे इन यूरोप, यूरोप में इलाहाबाद पाल कितने साल रहे थे? ठीक है, तो अब आप एमसीक्यू देंगे ना, तो आप लोगों को ये मिलेगा 3 ईयर रहते हैं। ठीक है, 3 ईयर जो रहते हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब कौन से सन में रहते हैं ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 1905 से 1908 तक, ये 3 साल के दौरान वो रहते थे। लेकिन 3 साल में थे 5, 6, 7, 8 से लेकर 8 तक के रहते। ठीक है, वो तो 3 साल रहते हैं वो। अब पेज नंबर 21 में देख लेते हैं रेफरेंस का क्या है, बाल स्टे इन यूरोप 05 से लेकर 1908 तक। ठीक है, 3 साल वो यहाँ रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, समझ लीजिए पेपर में आएगा, तो इसको इस तरीके से आप देख लीजिएगा, तो आपके जहन में बैठ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आगे मैं कह रहे हैं, चौधरी रहमत अली कब ब्राउन हुए थे? ठीक है, कब पैदा हुए थे? 1893 में। ठीक है, 1893 में चौधरी रहमत अली पैदा हुए थे। तो रेफरेंस देख लेते हैं पेज नंबर 23 पे, मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है, डॉट अली चौधरी रहमत अली बस ब्राउन इन। तो देखें, ये भी आपके एप्टीट्यूड में भी आ सकता है, होशियरापुर डिस्ट्रिक्ट इन 1893 में। ठीक है, तो 1893 था हमारा आंसर, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली कब ब्राउन हुए थे? 1893 को पैदा हुए थे, और कहाँ पैदा हुए थे वो आप नोट में देख लेंगे।
चलते हैं। 16 में वेंडेड इलाहाबाद प्रेजेंट एंड फेमस अलाहाबाद एड्रेस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस थी कि उससे इलाहाबाद इकबाल ने अपना फेमस जो है अलाहाबाद का एड्रेस वो कब दिया था, December 13, 1930 में दिया था। ठीक है, December 13, 1930, तो पेज नंबर 21 पे ही इसका रेफरेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, द एड्रेस December 1930। ठीक है, तो ये इलाहाबाद इकबाल ने ही 1930 में, देखें इलाहाबाद इकबाल का टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट एंड एड्रेस December 1930, तो आप पढ़ लीजिए, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो 1930 में इलाहाबाद इकबाल ने एड्रेस दिया था। अब चलते हैं नंबर 70 में, वेंडेड इकबाल गॉट टाइटल ऑफ सर, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, इलामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला था, पेज नंबर 21 1922 में इलामा इकबाल का। तो आप देख सकते हैं टाइटल ऑफ सर वॉज कॉन्फर्ड इन 1922। ठीक है, तो इलामा इकबाल को सर का खिताब मिला था 1922 में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, रॉवलेट एक्ट कब हुई थी। ठीक है, अब ये क्या है, अब हम इसको हम पेज नंबर देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा 1919 में हुई थी। ठीक है, तो पेज नंबर क्या है इसका, 16 है, तो उस पर हम जाके चेक कर लेते हैं कि तो रॉवलेट एक्ट क्या है, 1919 में हुई थी। ठीक है, तो आप पैराग्राफ लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, ब्लैक लॉ, ये भी आपके एमसीक्यू उसमें आ सकता है, रॉवलेट एक्ट वॉज इन ब्लैक लॉ, ब्लैक लॉ क्या पढ़ लीजिएगा उसके अंदर। ठीक है, ये भी आपका आ सकता है। अब चलते हैं आगे, एमसी क्यूज नंबर 19, जालिन वाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था हमारा। ठीक है, तो इसी के अगले एमसी क्यूज है, ये पेज नंबर 16 पे है ये भी, तो इसको भी हम देख लेते हैं, April 1919। ठीक है, दोनों जो है वो 1919 में हुए। ठीक है, जालिन वाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, April 1919 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि फेमस लीडर को मारा गया था। ठीक है, तो इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे, आप मैनो रिपोर्ट क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1928 में हुई थी, और पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर है 18, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो आप देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट हमारी कब हुई थी, 1928 में। ठीक है, तो आप लोग के सामने पैराग्राफ भी है, तो आप इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे जिना 14 पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो आप वो कब दिए थे, 1929 में जिना ने अपने 14 पॉइंट दिए थे। ठीक है, आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेज नंबर, ये अपना MCQ 21, नाउ और नेवर किसने लिखी थी, चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर लिखी थी। ठीक है, तो उसका रेफरेंस देख लेते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, इन हिज राइटिंग नाउ और नेवर, C.H. रहमत अली बस ब्रॉन एंड होशियरापुर भी दिया हुआ है, होशियरापुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और 1993 में पैदा हुए, और नाउ और नेवर उन्होंने लिखी, तो इसमें बेसिकली क्या है, January 1933 में उन्होंने ये लिखी, तो बेसिकली इसका अच्छा मकसद क्या था कि उन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम इसके अंदर दिया था। ठीक है, तो हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर, जो सूबा वो पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब को सबसे पहले इन्होंने रखा, तो पंजाब का पी लिया अगवानिया NWFP, तो उस वक्त ये अगवानिया NWFP होगा। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने NWFP अगवानी में से ए लिया, और के क्या कश्मीर लिया उन्होंने। ठीक है, तो पी हो गया पाक, और उसके बाद सिंध का एच नहीं लिखा है इन्होंने यहाँ पे, तो सिंध का इन्होंने एस ले लिया, और बलोचिस्तान का इन्होंने एंड के 3 वर्ड लिए, यानी बलोचिस्तान का बी नहीं लिया इन्होंने, बलोचिस्तान के एंड के 3 वर्ड ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, पाकिस्तान। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये नाम ढूंढा सूबों में से, और एक और खूबसूरत नाम उन्होंने बना दिया पाकिस्तान का। ठीक है, तो नाउ और नेवर किसने लिखी, चौधरी रहमत अली ने लिखी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम कैसे बना और किसने बनाया। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने है पैराग्राफ, चलते हैं आगे। और व्हेन डिड कमाल अतातुर्क टर्न आउट टू बी द हेड ऑफ स्टेट ऑफ तुर्की, उसको तुर्की का स्टेट कब दिया गया, March 1924 में, पेज नंबर 17 पर इसका आंसर है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, इन 1922 अतातुर्क इमर्ज एज़ द नेशनल लीडर एंड डिस्ट्रिक्ट पावर सुल्तान, एंड नेक्स्ट ही वॉज अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ द स्टेट बाई ग्रैंड नेशनल असेंबली इन March 1924 में। ठीक है, तो March 1924 में उस लोग को इसको चीफ बना दिया गया। अब चलते हैं आगे, सबको पता है लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी, 1940 में, पेज नंबर 26 से रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं आगे, डायरेक्ट एक्शन डे क्या किस दिन हुआ था, August 16, 1946 में। ठीक है, तो पेज नंबर 29 का रेफरेंस है, वो भी हम देख लेते हैं, पेज नंबर 29। ठीक है, तो यहाँ हाईलाइट हुआ है डायरेक्ट एक्शन डे August 16, 1946। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, इसमें क्या हुआ ये आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को आसानी ये हो जाएगी कि एमसीक्यूज भी और पैराग्राफ भी देखने को मिल रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब माउंटबेटन अराइव डेली ऑन, माउंटबेटन जो है अराइव डेली, या दिल्ली में कब आया था वो, March 22, 1947 को आया था। ठीक है, यानी जिस दिन हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था, तो पेज नंबर 31 पे इसका रेफरेंस दिया है, हम जाके चेक कर लेते हैं। तो पेज नंबर 31 पर आप देख सकते हैं, तो माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली ऑन March 22, 1947। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा।
अब चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर वाज नॉट इन द फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी? ठीक है, इसका आंसर जो है वो गूगल पे थोड़ा सही नहीं है, आप इसको चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट में इसका आंसर सही है या गलत है। तो इसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ और ये मैंने को आपका जो एमसीक्यू है आपका पास पेपर से लिया है। ठीक है, तो इसको देख के आप मुझे बताइए कमेंट में कि इसका आंसर सही है या गलत है। आपको गूगल पे इसका आंसर थोड़ा चेंज मिलेगा और आपके हैंड नोट्स में यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख के बताएं इसका पेज नंबर क्या है, कौन से पेज पर इसका आंसर दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी सीट्स इन प्रोफेशनल असेंबली इलेक्शन 1946 मुस्लिम लीग वॉन इन बंगाल? मुस्लिम लीग ने 1946 के इलेक्शन में कौन सी सीट वॉन की थी बंगाल के अंदर? तो 113 आउट ऑफ 119 सीट ली थी उन्होंने। इसका रेफरेंस दिया है पेज नंबर 28 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से देख लेते हैं। तो इस एमसीक्यू के बदले में आप लोगों को और चीज़ें भी लर्न हो जाएंगी, तो आप यह देख सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल में क्या हुआ था, 113 आउट ऑफ 119 मुस्लिम सीट ली थी। ठीक है, पंजाब सिंध और NWFB का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वैसे एमसीक्यू में आप लोगों को बंगाल दिया हुआ है। अब चलते हैं अगर नंबर 28 में। व्हाट इज द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमिटेड प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट इन फाइनल रिपोर्ट? ठीक है, तब ये क्या थी, प्रश्न नंबर 14 में चेक करते हैं। दिसंबर 1952 इसका आंसर है। ठीक है, जो सेकंड BPC रिपोर्ट क्या पढ़ लीजिएगा इसको, BPC प्रेजेंटिंग टू फाइनल रिपोर्ट ऑन 22 दिसंबर। तो यहाँ पे कौन इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो गया, 22 दिसंबर 1952। ठीक है, तो 22 P आप याद करना चाहते तो कर लीजिएगा, लेकिन दिसंबर 1952 इसका आंसर है। तो अब चलते हैं आगे। 29 में व्हेन डिड ज़ियाउल हक़ इम्पोज़ थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? ज़ियाउल हक़ ने थर्ड मार्शल लॉ कब लगाया था? जुलाई 5, 1977 को लगाया था। पेज नंबर 54 पे हम चेक कर लेते हैं इसको, पढ़ सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ टुक ओवर एंड पोस्ट मार्शल लॉ इन 1977 से लेकर 1958, 3 साल के उसने लगाया था। 1977 का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो किस दिन किया था, जुलाई 5 से किया था उसने। तो आप ये पढ़ सकते हैं बाहर। अब चलते हैं हम अपने आखिरी एमसीक्यू में। इन विच ईयर जिन्ना डिक्लेयर उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज? जिन्ना ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कब डिक्लेयर कर दिया था? तो इसको आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद, 1948 1948। और पेज नंबर 42 पे इसका रेफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। जैसे इन 1948 जिन्ना डिक्लेयर डेट उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के 30 MCQs जो कि मैंने कोशिश की आप लोग के हैंड आउट से फॉलो करूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। क्योंकि तो आपके हम लोग को MCQs तो ऐसे याद नहीं होते, तो ये है कि एक चीज़ आपके वीडियो की सूरत में तो आप लोग को याद हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के 30 MCQs जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे और ये आप लोग को पता भी होना चाहिए। कुछ के पेपर में आ सकते हैं, कुछ के नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये 3-4 MCQs तो इसमें आ सकते हैं। अगर 3-4 भी आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा ये अभी में जो मेरे MCQs कवर किए वो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर से कवर किए हैं और थोड़े बहुत बीच के, तो इसका बी पार्ट भी बन सकता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट में बताएं इसका बी पार्ट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो कोशिश ये करूँगा बी पार्ट में आपके आखिर के लेक्चर से ये MCQs कवर करूँ। और बाकी मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लिंक दिया हुआ काइंडली इस लिंक पर क्लिक करें या इसको कॉपी करके पेस्ट करें, उस लिंक को शेयर करें। मैं अपने 500-300 के दोस्तों से शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह हाफिज़।